नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत। आज आप सभी से कुछ खास मैटर पर बात होगी। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन की खबर उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रही। उनके निधन की खबर सुनकर दो प्रशंसकों का हार्ट अटैक से निधन हो गया तो एक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनके चाहने वालों की दीवानगी बताती है कि दक्षिण भारत में फिल्म सितारों की छवि किसी देवी देवता सरीखे होती है। स्टार्स के पीछे जुनून की असली वजह क्या है, जिसके कारण लोग जान तक देने को उतारू हो जाते हैं, ऐसा उत्तर भारत में नहीं होता। आइए एक विश्लेषण के जरिए समझते हैं। सिनेमा के प्रति शुरुआती दौर से ही दर्शकों का खास लगाव रहा है। लोग कई फिल्मों और किरदारों में खुद की जिंदगी को अनुभव करते हैं। कुछ लोग किसी कलाकार को अपना आदर्श मानकर उसे फॉलो करने लगते हैं तो कई कलाकारों के सुख और दुख में भी खुद को शामिल कर लेते हैं। अभिनय जगत के कलाकारों के प्रति ऐसी दीवानगी हिंदी और साउथ सिनेमा दोनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन दीवानगी के मामले में दक्षिण भारतीय फैंस का कोई जवाब नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो क्या अंतर है जो दक्षिण भारत के सिनेमा कलाकारों को एक अलग ही दर्जा दिला देता है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक के 5 सितारा सिनेमा हॉल में गिने चुने फिल्म स्टार्स की फिल्मों पर ही सीटें भर पाती हैं। इसी तरह गिने चुने हीरो की ही एंट्री पर तालियां या सीटियां बजती हैं और रजनीकांत, प्रभास या पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे दक्षिण भारतीय स्टार्स के फैंस की दीवानगी न दिल्ली में मिलेगी न बॉलीवुड की नगरी मुंबई में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले पुनीत राजकुमार की बात कर लेते हैं। पुनीत राजकुमार के निधन के बाद उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी वो खूब छाया हुआ है। पुनीत सिर्फ रियल लाइफ के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो थे। जो लोगों के दुख दर्द को अपना समझते थे वो 25 अनाथालय, 45 मुक्त स्कूल, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशाला और तकरीबन 1800 बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उन्होंने खुद उठाया था। यही कारण है कि वो फैंस की नज़रों में भगवान जैसे ही थे। पुनीत के धर्मार्थ के काम के आंकड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वो सबसे बड़ा पहलू है जो दक्षिण भारतीय स्टार्स को बॉलीवुड स्टार्स से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। यहाँ हम पुनीत के कुछ और सामाजिक कार्यों का उल्लेख करना चाहेंगे। पुनीत राजकुमार मैसूर शक्ति धाम आश्रम के जरिए भी लोगों की मदद किया करते थे। इस आश्रम से उनकी मां जुड़ी रही हैं। पुनीत ने बेंगलुरु प्रीमियर फुटबॉल टीम भी बनाई थी। कोविड महामारी के दौरान पुनीत राजकुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में $5 मिलियन का आर्थिक योगदान भी किया था। 2019 में उत्तरी कर्नाटक में जब बाढ़ आई थी तब भी पुनीत राजकुमार ने आर्थिक मदद की थी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर वो हमेशा आगे रहते थे। उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो भी अभियान चलाया गया, हर अभियान का वो हिस्सा बने। हर साल वो हजारों छात्रों की फीस चुकाते थे। कन्नड़ भाषा में चलने वाले स्कूलों से उनका विशेष लगाव था। पुनीत और उनकी पत्नी राधिका राज्य शिक्षा विभाग के ब्रांड एम्बेसडर थे। राज्य के स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम हो, इसके लिए वो हमेशा नए नए अभियान चलाते थे। पुनीत के पिता के नाम पर एक ट्रस्ट है, इसका नाम डॉक्टर राजकुमार ट्रस्ट है। इसके जरिए वो अनाथालय और अनाथों की आर्थिक मदद करते थे। यहाँ हम आपको दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत का भी उदाहरण रखना चाहेंगे। आप इससे समझिए आखिर यहाँ पर फिल्म स्टार के पीछे लोग क्यों क्रेजी होते हैं, क्योंकि उनके जाने पर अपनी जान देने पर उतारू हो जाते हैं। आपको बता दें कि रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंडरम नाम से एक संस्था बनाई है। आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति इस संस्था में मदद प्राप्त कर सकता है। मेडिकल हेल्प के मामले में ये संस्था का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मदद करने वालों में पहला नाम रजनीकांत का ही होता है। 2014-15 में चेन्नई में बारिश की वजह से जब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तब उन्होंने तुरंत लोगों की मदद करने की घोषणा कर दी थी। 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी की थी। सीएम रिलीफ फंड में योगदान दिया।
उस साल उन्होंने अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया था। ऐसा कहा जाता है कि रजनीकांत जितना पैसा कमाते हैं उसका आधा वो चैरिटी के रूप में वापस कर देते हैं। 2002 में जब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पलारू और कावेरी नदियों को जोड़ने की बात चली थी, तब रजनीकांत ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपये दान देने का ऐलान किया था। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर रजनीकांत इस तरह से सामाजिक कार्य करेंगे तो लोगों की उम्मीदें और उनके लिए शुभकामनाएं दोनों कभी कम नहीं होंगी। ऐसे ही एक तेलुगु अभिनेता हैं महेश बाबू। महेश बाबू ने श्री विद्या निकेतन एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस ट्रस्ट की ओर से स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज चलाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की रॉयल सीमा इलाके में गंभीर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अभिनेता ने वहाँ पे कई कार्यक्रम चला रखे हैं। जब वो राज्यसभा के सदस्य बने थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चित्तूर जिले के लिए बहुत काम किए थे। वहाँ की सड़कें बनवाई, स्वच्छ पानी का इंतजाम करवाया, उन्होंने वन संरक्षण समिति का गठन किया। यानी आप कह सकते हैं कि महेश बाबू लोगों से जुड़े रहे। उसी में एक और नाम जुड़ता है, चिरंजीवी का। चिरंजीवी ने 1998 में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसके तहत ब्लड और चक्षुदान केंद्र है। तब से लेकर आज तक इस संस्था में हजारों लोगों ने फायदा उठाया है। लाखों लोगों ने इस संस्था के जरिए आँख दान करने का संकल्प ले रखा है। चिरंजीवी ने मई 2021 में ऑक्सीजन बैंक और एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की है। इस फेहरिस्त में एक और नाम है, KGF जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले कन्नड़ अभिनेता यश रॉकी। यश रॉकी ने यशो मार्ग फाउंडेशन की स्थापना की है। इसमें उनकी पत्नी राधिका पंडित भी भागीदार हैं। इस संस्था के जरिए वो लोगों की मदद करते हैं। कर्नाटक के कोप्पल जिले में पानी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए उन्होंने वहाँ पर 4 करोड़ का योगदान किया। वहाँ के झीलों को साफ करवाया, उसके बाद आसपास के लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हुआ। दरअसल दक्षिण भारत के सिनेमा प्रेमी अपने सुपरस्टार्स को पर्दे पर जिस हीरो की भूमिका निभाते हुए देखते हैं तो उनके समाज सेवा के कार्य की उस छवि को रियल लाइफ में भी बनाए रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स को लेकर ऐसा देखने को नहीं मिलता। दक्षिण भारत में फैंस अपने हीरो को इसलिए इतना ऊंचा दर्जा देते हैं क्योंकि उनके हीरो की छवि सिर्फ एक किरदार में नहीं बंधी हुई है जो 3 घंटे की फिल्म में है। वो असल जिंदगी में भी अपने सामाजिक कार्यों की बदौलत समाज के बीच एक नायक की तरह ही रहता है। कोरोना काल में सोनू सूद का प्रवासियों को अपने घर पहुंचाने और उन तक खाना पहुंचाने जैसे कई काम किए गए, जिससे उनको भी कई लोगों के दिलों में भगवान जैसा दर्जा मिला। नाना पाटेकर भी महाराष्ट्र के कई पिछड़े गांवों में पानी पहुंचाने से लेकर किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहे हैं। लेकिन बहुत सोचने के बाद ही बॉलीवुड के कुछ नाम याद आएंगे जो समाज सेवा जैसी चीज करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में लगभग हर कलाकार समाज सेवा को जैसे अपना कर्तव्य समझता हो। आपको बताते चले, पुनीत राजकुमार ने जिन 1800 बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली थी उसकी जिम्मेदारी अब साउथ के ही सुपरस्टार विशाल ने ले ली है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, साउथ के स्टार्स रियल लाइफ के ही हीरो नहीं हैं, वो रियल लाइफ के भी हीरो हैं। ऐसे हीरोज को SDI भारत सैल्यूट करता है। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल SDI भारत को सब्सक्राइब कर लें और पास में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।